हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में आप सभी के लिए कई सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी एक पॉपुलर यूट्यूबर है। इनकी एक वीडियो डिलीट हुई है जिसके चलते इंटरनेट पे घमासान मच गया है इनके फैंस के बीच। इसके बारे में पूरी बात आपको बताएंगे और क्या अंदर की बात है, क्यों इनकी वीडियो डिलीट की गई है, इसके बारे में भी कुछ चर्चाएं होंगी। बाद में आप सभी को औरैया घटना के बारे में बताएंगे जिसके अंदर 24 मजदूर फिर अपने जान से हाथ गवा बैठे हैं। मजदूरों के ऊपर क्या ये अत्याचार है या नीति के घटनाक्रम की निर्ममता। इस वीडियो में होगी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी दी है। और आखिर में आप सभी को रिलायंस जियो के एक नए प्लान के बारे में बताऊंगा। इस नए प्लान से घर पे बैठ के काम कर रहे लोगों के लिए रिचार्ज में पैसे बचाने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के चीफ जस्टिस कौन है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जनरल नॉलेज आपकी कैसी है, आज देखते हैं। पिछले कई महीनों से YouTube पर आप TikTok की रोस्टिंग वीडियोस देखते होंगे। जनता इसको काफी पसंद भी करती है क्योंकि TikTok पर रोस्टिंग करने लायक कंटेंट भी बहुत सारा आता है। एलवीश यादव ने भी एक वीडियो बनाई जिसके जवाब में आमिर सिद्दीकी, जो कि एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई। अब इसके पलटवार में यूट्यूबर्स कैसे चुप रहेंगे और रोस्टिंग वीडियोस की छड़ी लगा दी। अंत में कैरी मिनाटी भी जनता की उम्मीदों पर आते हैं और आमिर सिद्दीकी समेत और कई टिकटॉकर्स को निशाना बनाया और खूब बढ़िया वीडियो बनाई। बढ़िया इन सेंस पॉजिटिव नहीं, धज्जियां उड़ाने वाली। जनता को ये काफ़ी पसंद आया। पसंद इसलिए आया क्योंकि YouTube एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, TikTok छोटा प्लेटफॉर्म है। जब TikTok उछलने की कोशिश करेगा तो YouTube के चाहने वालों से रहा नहीं गया था, इसलिए वो काफ़ी खुश थे। अब ये दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन माहौल तब गड़बड़ाता है जब YouTube ने कैरी मिनाटी की वो वीडियो डिलीट कर दी। डिलीट करने की वजह बताई कि उनके हैरेसमेंट और बुलिंग पॉलिसी को ये ब्रेक करता है और इस वीडियो में कई सारे अपशब्द, गाली गलौज के शब्द हैं। तो इसके जवाब में कैरी मिनाटी के फैंस ने सोशल मीडिया पे घमासान मचा दिया। ट्विटर पे आप देखेंगे तो 5 में से 4 ट्रेंडिंग जो हैशटैग हैं वो कैरी मिनाटी के जस्टिस के फेवर में हैं। कैरी मिनाटी ने भी इस पे जनता को जवाब दिया कि वो वीडियो वापस नहीं आएगी और आपके प्यार के लिए शुक्रिया, जो हुआ गलत हुआ। अब आप इस पूरे माजरे को समझ रहे हैं, ये पूरा माजरा क्या है, क्यों उस वीडियो को डिलीट की गई, आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखेंगे इस पूरे माजरे में फ़ायदा किसका हो रहा है। आप देखिए फ़ायदा किसका है, क्या टिकटॉकर्स का? नहीं, टिकटॉकर्स का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। कैरी मिनाटी का, उनकी वीडियो भी डिलीट हो गई जो कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ में अपना नाम शामिल करने जा रही थी, वो वीडियो पहले ही डिलीट कर दी गई। टिकटॉक का फ़ायदा हुआ? नहीं, लोग टिकटॉक को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? यूट्यूब का। यूट्यूब कंपनी का ये फ़ायदा है और यूट्यूब अगर अपने पॉलिसीज़ पे स्ट्रिक्ट रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं उपदेश जाता है कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर गाली गलौज से बचना होगा। हालांकि केवल इस वीडियो में नहीं, कैरी मिनाटी लगभग अपने सभी वीडियोस में गाली गलौज करते हैं लेकिन उनकी सब वीडियोस नहीं डिलीट होती हैं। यही वीडियो इसलिए डिलीट हुई क्योंकि ये वीडियो एक सेंसेशन बन गया था इंडिया में। इसको डिलीट करने से यूट्यूब की कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव छवि आएगी। अभी के लिए लोग गुस्से हैं यूट्यूब में कि यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो यूट्यूब अपने नियमों पर सख्त है, इसलिए उसकी एक पॉजिटिव विजन जाएगी और इसमें यूट्यूब का फायदा है। अगर उस वीडियो को डिलीट ना करता तो ये 2-3 दिन में ट्रेंड चला जाता, लेकिन इस वीडियो को डिलीट करने से फिर एक ट्रेंड चल गया है, फिर सोशल मीडिया पे 1-2 हफ्ते तक इसका ट्रेंड चलता रहेगा और कहीं ना कहीं यूट्यूब का इसमें फायदा होता रहेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, ये सारी एक कंपनीज हैं, ये समाज सेवा के लिए नहीं आई थी, ये आपके फायदे के लिए नहीं आई थी, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, प्रॉफिट के लिए आई थी। इनके नियम कायदे इनके हिसाब से होते हैं, जनता के चाहने के हिसाब से नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को आप सीरियस इश्यू ना बनाएं, एंटरटेनमेंट की तरह ही लें, तभी तक वो ठीक रहेगा। नहीं तो पर्दे के पीछे का खेल और टेबल के नीचे का खेल आम जनता से छुप कर होता है। आप सभी इन सब इश्यूज़ में ध्यान देने से अच्छा है बड़े इश्यूज़ पे ध्यान दें, कोरोना वायरस पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें, न्यूज़ और जानकारी लेने की ओर झुकाव रखें। इन सारी चीज़ों से क्या होने वाला है, क्या आपका सहारा कोई टिकटॉकर बनेगा या फिर कोई यूट्यूबर बनेगा?
आपका सहारा, आपका ज्ञान बनेगा, जीवन में आपकी परफॉर्मेंस बनेगी, आप अभी कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, यही बनेगा। इस पर विशेष ध्यान दें और इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा। और मुझे ये सब देख के काफ़ी दुख होता है कि इंडिया की जो यूथ है मिलियंस की संख्या में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सब चीज़ों से दूरी बना रही है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगली खबर सीधा यूएसए से। डोनाल्ड ट्रंप ने 16 मई की आधी रात को ट्वीट करके कहा कि इंडिया की मदद करने के लिए यूएसए हमेशा अग्रिम रहेगा। यूएसए में वेंटिलेटर्स बन रहे हैं जो कि काफ़ी कम कीमत में होंगे और काफ़ी किफ़ायती होंगे, उनकी क्वालिटीज़ भी अच्छी होगी और नासा इसको बना रहा है। कोरोना वायरस के इस जंग में यूएसए इंडिया का साथ देगा और वो वेंटिलेटर्स की सप्लाई इंडिया में भी देगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इंडिया ने भी पास्ट में हाइड्रोक्लोरोक्वीन की सप्लाई देके यूएसए की भी मदद की थी। डोनाल्ड ट्रंप का वैक्सीन के ऊपर भी कमेंट आया है कि इंडिया और यूएसए दोनों जगह प्रशिक्षण चल रहे हैं वैक्सीन बनाने का और हम सब साथ मिलकर खोजेंगे और साथ मिलकर इस जंग लड़ेंगे और इस अदृश्य दुश्मन को जल्द ही खत्म करेंगे। ये एक अच्छी खबर है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 18 लोगों की एक ग्रुप की। ये रहते थे सिंगरौली में पर काम करने के लिए लुधियाना गए थे। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और लुधियाना पंजाब में है। पर कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, इनके काम धंधा बंद हुए, खाने के लिए जब जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं बची तो ये अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े। पर इनके गैंग में एक आदमी था जिसका एक बेटा है, 17 साल उसकी उम्र है, उसकी तबीयत खराब थी। इन्होंने पुलिस प्रशासन की सहायता मांगी पर कोई सहायता न मिलने की वजह से एक चारपाई को एक पालकी का शक्ल दिया और उसी पालकी में इस युवक को लेटाया और चार लोग अपने कंधे पे लेके उसको चल पड़े अपने गांव सिंगरौली के लिए। दूरी थी, जो डिस्टेंस थी वो 1250 किलोमीटर की थी, लेकिन ये पैदल ही इस दूरी को तय करने के लिए चल पड़े और चार लोग पारी पारी पलट पलट के अपने कंधे का सहारा देते रहे ताकि उस युवक को सही सलामत घर पहुँचाया जा सके। इस सीन को देखकर आपका कलेजा कांप उठता। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो मजदूर 11 मजदूर मरे थे औरंगाबाद के रेलवे ट्रैक पर, इनमें उनकी गलती है। क्या वो बेवकूफ़ थे जो वहीं पर लेट के सो गए ट्रेन के ऊपर, या ट्रेन जब आ रही थी तो उनको पता नहीं चला इतनी आवाज़ करके ट्रेन आती है। तो अगर मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ दोस्तों, बाइक चला के आता हूँ, तो इतनी तेज़ नींद आती है कोई उठाए उठूँ ना, तो वो तो फिर भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे। जरा 10 किलोमीटर पैदल चल के देखिए, थकान और नींद का ऐसा आक्रोश सवार होता है आपके दिमाग पर कि आँखें उनको रोक नहीं पाती हैं। यही कुछ दशा इन मजदूरों की भी थी, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद चकेरी थाना प्रभारी रामकुमार गुप्ता की नज़र इन पे पड़ी। इन्होंने इनसे बात की और इनको साधन मुहैया कराया, इनको खाना खिलाया और इनके घर तक इनको छोड़ के आया। सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या 1200 किलोमीटर के बाद इनको देख पाई? क्या बीच में कोई और थाना नहीं आया? क्या बीच में कोई और थाना प्रभारी की नज़र इन पे नहीं पड़ी? पड़ी थी, लेकिन सब हाथ पांव पीछे इसलिए कर बैठे क्योंकि युवक था बीमार और उसके पास कोई आना नहीं चाहता था, ऐसा इन मजदूरों का कहना है। इन्हीं से भला हो गुप्ता जी का जिन्होंने कानपुर के पास रामा देवी हाईवे पर इनकी सहायता की। एक ओर हम पूरी पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, उनको कोरोना वायरस वॉरियर्स मान के सलाम ठोक रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और एक ओर ये निर्ममता वाली दृश्य, ये पत्थर कलेजे वाली दृश्य देख के लगता है क्या हम गलत थे। कोरोना वायरस घातक है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक हमारे देश के गरीब लोगों के लिए है, मजदूरों के लिए है। हमें आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली तो अपने घरों में सुरक्षित हैं। इनके पास इतनी जमा पूंजी है ज़्यादातर मात्रा में कि 1-2-3 महीने के लिए कम से कम अपना लालन पोषण कर सकें। पर सबसे ज़्यादा असर मजदूरों के ऊपर ही है, जो कि ना केवल अपना भूख, अपना पेट, परिवार और अपनी सेहत पकड़ के बैठे हैं, बल्कि अपनी जान तक गंवा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ रही है कि इतने मजदूर यहाँ मारे गए। औरैया जिले की ये खबर है, जहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के टोटल 24 मजदूर मारे गए और 37 मजदूर घायल हुए। ये एक ट्रक हादसे की खबर है। एक डीसीएम एक ट्रक से टकरा उठती है और भोर 16 मई को ये हादसा घटित होता है औरैया जिले के अंदर एक हाईवे पे, और ऑन द स्पॉट इन लोगों की मौत हो जाती है। स्थानीय हॉस्पिटल में इनको भर्ती भी कराया जाता है। इसके बाद जो कुछ भी प्रक्रिया चलती है देश में, वो सब चलती रही। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, सीएम ने शोक व्यक्त किया, जो विपक्ष है उन्होंने अपनी सियासत का शिकंजा कसा, और वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ अपनी चैनल पर। सीएम योगी साहब ने 2-2 लाख रुपए का पैकेज भी घोषित किया है, राहत पैकेज जो लोग मृतक हुए हैं उनके लिए, और 50,000 रुपये प्रत्येक घायलों के लिए। मुझे दुख इस बात का नहीं होता है
कि सरकार इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कर पा रही है या कर भी रही है तो कुछ लोग बच जा रहे हैं और उनको मरना पड़ रहा है, चाहे वो गैस लीक का हादसा हो, चाहे वो ट्रेन के आगे कट के मरने का हादसा हो, चाहे ऐसे ट्रक एक्सीडेंट का हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिसी आती है सरकार की, आप मानेंगे। इस बात का मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे होंगे कि मजदूर लोग ट्रकों में भर भर के वापस लौट रहे हैं अपने घर, चोरी छुपे प्रशासन से। नहीं तो प्रशासन उनको पकड़ती है, मारती है, पीटती है, जेल में बंद कर देती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाती है, ये सब काम करती है। अगर आप ऐसा कर ही रहे थे तो ये लोग क्यों बच गए? अभी अगर सरकार के ऊपर शिकंजा कसा जाए तो सरकार कहेगी कि हम तो मना ही किए थे कि अपने से ना लौटो, ट्रक लौटने की चीज है, हमने ट्रेन चलवाई है, हमने ये किया है। पर ट्रेन आपने जो चलवाई है, बसें जो चलवाई है, उनकी संख्या वापस आने वालों की संख्या से बहुत कम है। इन सारी चीज़ों में कुछ बेहतर सोचा जाए, यही ठीक है। सरकार जो कुछ कर भी रही है उसके लिए भी शुक्रिया ही मैं कहूँगा। और दुख किस बात का होता है आप जानते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं अभी, और हमारी देश की युवा कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक में फंसी पड़ी है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, जो रियलिटी है उस पर आइए। आप देश का भविष्य है, आप अगर अच्छी चीज़ें और काम की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कल को भारत अच्छा होगा। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए और सीरियस इशू पे सीरियस ध्यान दीजिए। अगली खबर रिलायंस जियो के बारे में है। जियो ने एक नए प्लान की घोषणा की है। 999 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा तो 84 डेज के लिए वैलिडिटी मिलेगी। 3 GB रोजाना आप इस्तेमाल कर सकेंगे मेरे दोस्तों, और आपको 100 SMS डेली के लिए मिलेंगे। 1000 IUC मिनट्स आप सभी को प्रत्येक मंथ मिलेगा, 3 महीनों के लिए 3000 IUC मिनट्स। इस प्लान की कंपटीशन करें पिछले प्लान से तो इसके पहले जो प्लान था वो 349 रुपीज़ का था 28 डेज के लिए, और अगर आप उसको 3 बार रिचार्ज कराते हैं तो जाके 84 डेज की वैलिडिटी कंप्लीट होती है और लगभग 50 रुपये आपका बचेगा अगर आप इस प्लान का रिचार्ज कराते हैं। जियो का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि लोग अपने घरों में बैठ के सस्ते इंटरनेट का लाभ उठा सकें। जियो एक के बाद एक ऐसे प्लान ला रहा है, चलिए अच्छी बात है, हमारे देश की जनता के बारे में कोई कंपनी सोच तो रही है। अगली खबर कोरोना वायरस के अपडेट्स को लेकर है। लगभग 86,000 टोटल मामले हो चुके हैं कोरोना वायरस के हमारे देश में। इंडिया चाइना को भी पार कर चुका है कोरोना वायरस के मामलों में। उम्मीद की जा रही है कि 5 दिनों के अंदर ही ये टोटल संख्या 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। मरने वालों की संख्या 2753 की है, और प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और जो संख्या आ रही है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है। तो जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें कहीं भी कुछ संतोषजनक बात नहीं है। समय के साथ चीज़ें बढ़ ही रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि 17 मई के बाद जब लॉकडाउन में काफ़ी रियायत दी जाएगी आप सभी को, तब कोरोना वायरस बढ़ता ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है कि जान और जहान दोनों, तो यहाँ पर जहान पर इस समय ज़्यादा ध्यान है, और जिस तरीके से हम लॉकडाउन के शुरुआती चरण में एहतियात बरत रहे थे, अब उसमें काफ़ी छूट होने के बाद, जहान की ज़्यादा फिक्र करने के बाद जान पर दांव लग रहा है कोरोना वायरस का। हम इस सच को झुठला सकते नहीं हैं, और दुख की बात यह है कि हम कुछ कर सकते भी नहीं हैं। अब 20 लाख करोड़ आ रहा है तो उसको भी बराबर से बांटना है, इकोनॉमी को वापस से पटरियों पर उतारना है, और भगवान हमारी सहायता करे इस मुश्किल के घड़ी में, हम और क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के लिए अधिक से अधिक खुशखबरी इस वीडियो में शामिल रखूं, ताकि मेरी वीडियोस देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ सके, आप क्रोधित, आक्रोश या गुस्से में कम रहें। पर आजकल ऐसी खबरें आती ही नहीं। अगली खबर भी जोमैटो और उबर कंपनी की ओर से है। इनमें इम्प्लॉयज को छांटा जा रहा है। उबर कंपनी ने कहा है कि 3700 इम्प्लॉयज छांटे जाएंगे उनकी कंपनी से। इनफैक्ट एक 3 मिनट की वीडियो कॉल में 3700 इम्प्लॉयज को छांट दिया गया है। टोटल लॉस उबर कंपनी को हुआ है $2.9 बिलियन का, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम है, और शायद कंपनी को ऐसा कदम अपने लॉस को रोकने के लिए उठाना पड़ रहा है। जोमैटो हमारे देश की इकाई है, 520 इम्प्लॉयज इससे भी निकाले जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जोमैटो ने उनको पूरी तरह से नहीं निकाल दिया है, बल्कि 50% सैलरी देने का प्रॉमिस किया है 6 महीने तक, या जब तक उनकी कोई और नौकरी नहीं लग जाती है। जो भी समय सीमा पहले आ जाती है तब तक 50% सैलरी दी जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं भी मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ खबरों को आपको पहुँचाने का। खबरें अच्छी होती हैं तो आप खुश होते हैं, बेकार होती हैं तो आप दुखी होते हैं। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।